तो ये देखो जी, ये सामने लता का मायका है। ये देखो, ये सड़क है, मेन रोड है, और ये लता के मायके वालों का घर है। तो चाबी मैं लगा रही है, शानू नहीं जाएगा। और मेरा बैग पीछे, मैं दूध भी लेके आई थी। और ये देखो, मैं दूध लेके आई थी अम्मा के लिए। बैग मेरा यहीं पे, जैकेट ले लूं, है ना? ले लो, चल ले लूं, है ना? पाओ ना ये देखो, अब हम जा रहे हैं लता के मायके की तरफ को, और लता भी बना रही है वीडियो। हम यूट्यूबर को यही काम होता है, जहाँ भी जाए वहाँ फोन उठाया, क्योंकि एक कोशिश रहती है अच्छी अच्छी जगह, नई नई जगह दिखाने की। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैक्सिमम अपने घर में रहते हैं, और आप लोग भी बोर हो जाते हैं। ये देखो, स्कूल की बस जाती है हमारे मायके, तो बहुत अच्छे एरिया में, मेन रोड है भाई। और लेकिन ससुराल की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने जिंदगी तो वहीं बितानी है। और सूर्य भगवान जी जा रहे हैं, और शाम को ही पहुँच चुकी मैं अम्मा के पास। ये गाड़ी है, बहुत अच्छा घास होता है इस तरफ। वो कहते हैं ना, मायके का तो कुत्ता भी प्यारा लगता है। ये देखो जी, चलो ये किन्नु जाने से पर सुनवा, पर ये भी कई, अरे पपीते लेके जाएंगे, देखो कितने सारे पपीते। चल 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 प्रिंसु, मैं और प्रिंसु आगे आगे जा रहे हैं, लता पीछे पीछे आ रही है। और ये है गांव जी, यहाँ पढ़ती थी मैं। यहाँ से आगे एक स्कूल है ना, सिकरोवा स्कूल, वहाँ पढ़ती थी मैं 10th क्लास तक, 9th और 10th इस गांव से जाते थे। वो नीचे से होके, वो खड से होते हुए, वो नीचे से बस, ये जो एक मिनट दिखाती हूँ, वो सामने जो सड़क दिख रही है ना, मैं जूम करके दिखाती हूँ, ये वाली जो सड़क है ना, बस इससे आगे मेरा मायका, इससे बस एक मोड़ आगे, और बस यही वाला एरिया है। तो यहाँ से पैदल आते थे पहले, और तो हम पैदल आते थे स्कूल को। कितने साल आई मैं यहाँ पे, 2 साल। और ये जमेरिया भी यहाँ पे, लता तो दिखाती रहेगी कल अब सारा दिन। ये देखो यार, माँ बेटा, चलो भी हाय करो, हाय। ये सड़क आप उन क्या हो रही ने, है ना, एक घर बनाया था ना तो गाड़ी से। और ये इसका घर, पर इसके मायके वालों के घर में ना, मैं दिखाती हूँ पार आपको भी जाते जाते। काफी प्रॉपर्टी वाले हैं इसके, इसके बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, मतलब मायके की तरफ से साइड से बहुत अच्छे है। क्या ये इमली का पौधा है? ये बड़ा है जी, नहीं ये मेहंदी, ये मेहंदी का बूटा है अमरूद। अच्छा, वो परे इमली है ना, वो परे इमली। ये कपड़े के सिरे, ये देखो ये इमली है, और ये मेहंदी है। सब जाने मेरी बहनी भी ले आई मिंजो आ तू। ये देखो पपीते, वो आ रही आ तू। नमस्ते लता की बहन है, बड़े से खुश हो गया ना नाना का। ये बगले आने वाले तड़ है, ये नहीं आया। और देखो कितने सारे पपीते लगे यहाँ पे, हम लेके जाएंगे जाते जाते। अरे वाह है, देख तो मजा ही होता है ना। यार आसर नहीं सकती पपीते डाले, आसर सूख जाए, मैं लगाई है 5-4 से सूखी गया, सूख जाओ या से ओ दसिया थे मांगे से सूखी गया से ओ सूखी गया अभी बनने में ना। हां बच्चे रखिया से सूख चली गया से ओ। अरे देख कितने बढ़िया ये थे ना, और ये तो बढ़िया है ना, रेड मांगी है तेरी नान बचाए नहीं है खराब है ऐसा। और ये है इसका घर, बाहर से दिखा देती हूँ मैं। और लता की मम्मी अभी गई है कहीं घास को, और लता भी पारते हो रहा। और ये इनका
देखो। और पपीता इस साइड भी है भाई, कितना पपीता है। और यहाँ पे हरा लहसुन भी है। चल बेटा नहीं रह जान, फिर मन लेकर दी बैठने आओ जे कि जे पे आगे मावना ही पड़े। ते दे सोचे मैं दे मनी आ कुड़ी ती फिर काम आवने लगे। करो 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 तुसे काम देगी। ये क्या सूरत का मुकाठार बस हुए। हाँ ठीक है, तुसे ठीक है। अच्छा अच्छा ये बना रही है ना, ये सब भी दिया है ना। ये भी अम्बुरा डाल कितना बड़ा डाल अम्बुरा के भला देखी ना रे केड़ा कुनु लाऊं लता ती भी एक ही लाओ एड़ा जो का होया करना से लंदी जाना ते बंदे एड़ा ने भी एक ही बार लाना है। हां लंदी जाना मतलब बाटा खाना लाया करना उबे हो जो। हां खुला ही है के पूले बानु रे पूले बानु रे ती भी केथा को जो कित रहे ने एड़ा या ए तू से लावरा एड़ा ही से केड़ा। अच्छा से दूजा हां से तो दूजे तो एक ही किनारो जे है ना एड़ा ही है टासने रे मतलब। हां 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 इत्ते बहुत का ये सारे डोरू तू सारे परे बड़े पर जमीन भरी है काटी देखी। ये बोल तू सारे पार है ना। और ये पुराना घर यहाँ पे इसका गुरशेरुआ वो कितना बड़ा बड़ा पत्ता देखिए केड़े केड़े बड़ा पत्ता है। साग की सरसों है स्पेशल लाई रखो सब कुछ भी आती जो भी बड़ा हो ना। ये काटू देखिए कट काटी है कितना दूध है। अच्छा पर जो क्या करे करो। अच्छा ये भैया भेड़ भी है बकरिया कितने काम पशु है ना देखो तो। ये तो काफी पितरे भी तीन चार देख तो। और एक गाय सिंह वाली गाय बर्द तो आए और लता की अम्मा है। ना तो ये देखिए यहाँ पे। और ये है पत्थर का आंगन और बहुत अच्छा परिवार है इसके मायके वालों का। तीन भाई हैं इसके, चाचू दो चाचू हैं किसके पापा। ये देखो ऐसे आंगन होते हैं हमारे भी, ऐसा ही आंगन है ना मेरे मायके में भी ऐसा ही आंगन है जो पुराने घर में पत्थरों का होता था। हम इस ऐसे आंगन में बहुत खेले हम क्योंकि हमारे खुद ऐसे ही होता था। मतलब पुरानी पुरानी चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती है। और ये पुराना घर और उतने को आगे आ तू चाय लेके। और चलिए अभी हम लोग चाय पीते हैं ऊपर चल के, फिर मुझे निकलना है अम्मा से मिलने। आज तो आपको अम्मा से मिलाना ही है। ये देखिए यहाँ पे अभी हम लोग चाय पियेंगे। बहुत मज़ा आया, बहुत रिस्पेक्ट की लता के मायके वालों ने और बहुत अच्छे लोग हैं सच्ची में। हम चाय पी के फिर मैं निकल गई थी। आज आप आज तो मायके में मिलाना ही है आपको अम्मा से। तो ये देखिए और उसके बाद हम सीधे निकल गए थे और हम पहुंच गए थे मायके में। और अम्मा और शानू लग रहे हैं गले, यहाँ पे गले मिल रहे हैं। शानू खुश हो गया है, मेरा मन नहीं लगेगा इसके बिना, लेकिन बच्चों का लग जाता है। तो ये मैंने बहुत सारी सब्जी और ये दूध भी लेके आई थी मैं, घर से लाना भूल गई थी। अम्मा रुके तो दूध भी नहीं होता यहाँ पे ना, तो फिर थोड़ा सा लेके आई थी मैंने कि अब आप खुद ले लिया करना गाड़ी वाले से। और तो चलो अभी हम लोग निकलते हैं घर की तरफ। और पिता वहाँ पे कुछ काम कर रहा था। हम कर चुके हैं एंटर अपने घर में, अपने घर में। यहाँ ना मेरे को वो फीलिंग नहीं आती जो नीचे वाले घर में थी, समझी तू अम्मा गल। ये ला ये ले मैं सानू ले जा, ये बोला एक और जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो चूल्हा तो है नहीं, तो अम्मा ने आग जला के रखी है। और अभी हम यहाँ पे सेकेंगे पैर। शानू जूते उतार रहा है और देखो मेरा बैग।
सब्जियां क्या चल पिछड़ो बैठो सानू मेरा दिल कतई नहीं लगता तेरा दिल पता नहीं क्या लगता इसके रहना था क्या मां बड़ा खुश्क जा है मारा निराश रह नहीं सकते यहाँ पे जुराबे तो ये देखो यार कितने गंदे हो रखे सानू ठंड तो है नहीं यहाँ पे ना तो ये देखिए हम लोग देखिए क्या पहुंच चुके हैं और हर बार देखिए देखिए बोलती रहती हूँ मेरे को खुद लग जाता है कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। अच्छा जी तो हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं और मैं जब खिलाई लो तकने यहाँ तो ठंडी नहीं है बिल्कुल भी ठंड नहीं है भाई यहाँ पे। जय माता दी। जय माता दी। कैसे हो आप सब? ठीक है। आ गया सानू अब। और मैं बोल रही थी मेरे को तो बुरी लगेगी बच्चे आजकल के बड़े अटपटे जैसे होते हैं क्या करना मैं अभी तो गई हूँ अपनी माँ को छोड़ के जाना पड़ता है सभी को ये भी लड़की ये कौन सी लड़की है बोले जो ससुराल जा रही है ऐसा बोल रहे हैं। चलो ठीक है मुझे अभी वीडियो एडिट करनी है एक और डालनी है और फिर मैं आपको मिलूंगी बाद में। और यहाँ पे आग अम्मा ने जला दी अभी चश्मा मैं भी उतार रही हूँ क्योंकि पता है इन जगहों पे दर्द हो जाती है अम्मा। ये देख निशान पड़े पड़े साइड है देख देख साइड है इसको थोड़ा सा खुला करवाना पड़ेगा और सुना तो और क्या कोटियां लगती है तो दर्द होता है यहाँ से तो मैंने वो रहने दी। अच्छा एक बात मैं बता देती हूँ 7 जनवरी 2022 को ये वीडियो जाएगा और 7 जनवरी को है जन्मदिन संगीता भारद्वाज दीदी है दिल्ली से उनके हस्बैंड का तो वो हर साल बोलते हैं और इस बार भी उन्होंने एक दो हफ्ता पहले बोल दिया है और वो याद इसलिए रहे क्योंकि वो कंटिन्यू आते हैं हमेशा आते हैं वीडियो के ऊपर तो जो पिछले 2 सालों से कंटिन्यू आ रहे हैं उनके दिमाग में नाम छप चुके हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कभी मन करता है कि उनका लिस्ट बना के कैसे नाम ले लूं तो चलो जी सबसे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं माता रानी करे उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां आए और सारे दुख दूर हो जाएं भैया के जीवन से। तो भाई को बहुत बहुत मुबारक हो साथ में संगीता दीदी को भी। तो मुझे था कि कहीं मैं भूल ना जाऊं और दीदी वैसे नाराज होते तो है नहीं लेकिन कई बार हो भी जाते हैं नहीं वैसे नहीं होते मतलब उस तरह के तो बस। और अभी मैं पहुंची थी लता के मायके भी जाके आई बहुत अच्छा लगा। और अभी हम खाना मेरे को भूख नहीं आज बिल्कुल भी नहीं तो चलो दीदी को फिर से बहुत आज सभी लोग भी उनको बहुत विश करना बहुत बधाइयां देना ठीक है।